प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि आप जिस हिसाब से, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी है, एक तो कोविड जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। कि यहाँ पर देखिए कि अधिकतर लोग बिना मास्क के वैसे घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से देख रहे हैं कि आज ये कोरोना कितना महामारी हमारे इसमें फैल चुका है पूरी तरह से बन के। कि आप देखेंगे कि किसी टाइम यहाँ पर पार्किंग हुआ करती थी सामने, मेरे सामने ही, लेकिन आज यहाँ पर एक डेड बॉडी को रखने की भी जगह नहीं है और इतना बुरा हाल है। वहां से पीछे से देखिए सारा का सारा भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे देख लीजिए कितने लोग मास्क भी नहीं लगा रखा होगा सही से, कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन नहीं करता है। और आज मैं लगभग देख रहा हूँ कि डेली यहाँ पर जो यहाँ के आचार्य लोग हैं उनपे इतना प्रेशर है कि वो सुबेरे 7 बजे से लगते हैं, रात को 12-12 बजे तक यहाँ पर लगे रहते हैं। इस समय उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि करा जाए कि क्या और क्या हो रहा है इस समय देश में। तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। वेट कम से कम अब ये लगा लीजिए, मैं यहाँ सुबह लगभग 8 बजे आया हूँ और अभी भी यहाँ लगभग 11:30 हो रहे हैं, लेकिन अभी 1.5 घंटा और वेट करना पड़ेगा, क्यों उसके बाद कम से कम 5 से 7 घंटे यहाँ पर वेट करने के बाद में तब जाके मुखाग्नि मतलब लोगों को मिल पाती है डेड बॉडी को। यहाँ पे लगा लीजिए कि जिंदा तो छोड़िए कि लेकिन मरने के बाद भी लोग यहाँ पर सही से मतलब उनकी विचारों की क्रिया भी सही से नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्या करें, पंडित भी यहाँ पर 4-5 लोग हैं, वो कितना संभालेंगे सबको। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे डेड बॉडी इतने लगाने के बाद में भी अभी वेटिंग में भी है और एम्बुलेंसों के अंदर भरी रही है। मैं तो देख के अभी दंग रह गया, 2 दिन पहले आया था कि एक एक एम्बुलेंस में 5-5, 7-7 यहाँ पे बॉडी थी। खुद मेरे मोहल्ले से ये छठी डेड बॉडी के अंदर मैं आया हूँ। तो इतनी बड़ी बुरी स्थिति है कि आप बहुत दिल मतलब बहुत इस समय बहुत दुखी है कि ऐसा नजारा शायद मेरी 50 साल उम्र होगी कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है ऐसा। यहाँ मेरे अंकल एक्सपायर हो गए इसलिए हमें आना पड़ा। हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं, अब देखिए 11:30 बजने वाले हैं, अभी भी यहाँ पर नंबर नहीं आ पाया है। लकड़ी वगैरह सारी हमें खुद अपने आप लेनी पड़ी सारी, वहाँ लकड़ी की वहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर नंबर लगाने का कुछ साधन नहीं है, बड़ी मिसमैनेजमेंट है। अगर इन्हें करना ही था ये कह रहे हैं सारे एक साथ जलाएंगे, सारे एक साथ जलाएंगे, और यहाँ पर हम लाइन में लगे कब ये बात चलेगी कौन पहले आया था, लगा देते तो फिर कम से कम ये तो होता कि एक करके हो जाता काम। फिर सारी लकड़ी जो है वहाँ पर, अब कुछ लोगों के साथ तो लोग भी नहीं थे, अब जो आदमी अकेला या 2-3 लोग साथ में आए हैं वो लकड़ी वगैरह कैसे लेकर आएंगे, सारी सारी लकड़ी खुद निकालें, खुद तोलें और खुद लेकर उसको वहां तक पहुंचे, तो बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है। कोविड गाइडलाइंस का यहाँ पर कोई वो कुछ नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि मैंने भी इनसे पूछा था कि कोविड वाले अलग हैं, क्योंकि हमारा पेशेंट कोविड है तो हमारा ये रहता है कि दूसरे लोग को परेशानी ना हो, तो इनसे पूछा था मैंने कि मैं कोविड के लिए कहाँ करना है, कह रहे कहीं भी कर दिए सारा एक साथ है, तो ये बहुत गलत बात है। अब जैसे कुछ लोगों ने तो यहाँ पर प्रिकॉशन ले रखी है, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं ले रखी। अब कोविड पेशेंट के साथ जितने भी लोग आए हैं ज्यादातर को कोविड हो रखा होगा, तो उससे अब यहाँ पर आके तो मुझे लगता है कि हम और भी शायद जर्म्स लेकर जा रहे हैं।